नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अमित चक्रवर्ती, मैं साइकॉन ग्रुप ऑफ कंपनीज का डायरेक्टर हूँ और पोर्टेबल यूपीवीसी विंडो मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स का इन्वेंटर हूँ। अगर आप यूपीवीसी विंडोज़ एंड डोर्स बनाने का काम शुरू करना चाहते हैं तो आप पोर्टेबल यूपीवीसी विंडो मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स को खरीदने के लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग पोर्टेबल यूपीवीसी विंडो मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स का प्लांट सेटअप करने में मदद करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अलग अलग यूपीवीसी प्रोफाइल्स का क्वालिटी कैसे पहचान सकते हैं, कि कौन से कंपनी का प्रोफाइल अच्छा है और कौन से कंपनी का प्रोफाइल घटिया है। अब ये चीज़ को पहचानने के लिए तो आप बहुत सारे टेस्ट करवा के देख सकते हैं, पर एक छोटा फैब्रिकेटर के लिए ये संभव नहीं हो पाता। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसा सरल और आसान तरकीब बताने वाला हूँ जिससे आप कौन सा प्रोफाइल अच्छा क्वालिटी का है और कौन सा प्रोफाइल बुरा क्वालिटी का है 2 मिनट में पहचान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम, जो जो प्रोफाइल कंपनियों का नतीजा आपको निकालना है, उन कंपनियों से उनके प्रोफाइल का मास्टर कैटलॉग मंगवाइए। अब क्योंकि वो बहुत मोटा कैटलॉग होता है, इसलिए शायद आपको फिजिकल कॉपी वो ना देना चाहे, तो आप उनसे ई कैटलॉग या ई कॉपी मंगवा सकते हैं। ये आप उन्हें WhatsApp या ईमेल में भेजने को बोल सकते हैं। अब जो भी प्रोफाइल आपको कंपेयर करना है, मान लेते हैं कि आपको कंपनी ए के साथ कंपनी बी को कंपेयर करना है। अब मैं यहाँ पे किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, इसलिए नहीं कि मैं किसी से डरता हूँ, पर इसलिए क्योंकि मैं बेकार में किसी को बदनाम करना नहीं चाहता। तो यहाँ पे हम लोग एक कंपनी के नाम कंपनी ए रखते हैं और दूसरे कंपनी के नाम कंपनी बी रखते हैं। अब इन दोनों कंपनियों के प्रोफाइल से आप कोई भी एक कॉमनली यूज्ड प्रोफाइल ले लीजिए। मान लेते हैं ये एग्जाम्पल में हम लोग 60 सीरीज़ के 2-ट्रैक विंडो के फ्रेम को यहाँ पे लेते हैं। अब दोनों के ही कैटलॉग में से आपको दोनों कंपनी के 60 सीरीज़ का 2-ट्रैक फ्रेम का ड्राइंग, थिकनेस, डायमेंशन और वेट निकाल के रखना है। पहली बात आपको ये गौर करना है कि दोनों प्रोफाइल का डायमेंशन और थिकनेस सेम होना चाहिए, जो कि सेम सीरीज़ के प्रोफाइल का ज़्यादातर होता है। यहाँ पे हम लोग 60 सीरीज़ के प्रोफाइल को कंसिडर किया है, तो जनरली 60 सीरीज़ के ज़्यादातर प्रोफाइल्स ज़्यादातर कंपनियों का सेम ही होता है। पर एक चीज़ आप गौर करना कि दोनों प्रोफाइल का सेम थिकनेस और डायमेंशन होने के बावजूद दोनों का वेट अलग अलग है। और इस उदाहरण में कंपनी ए का 60 सीरीज़ का 2-ट्रैक का फ्रेम का 1 मीटर का वेट है 975 ग्राम, और दूसरे तरफ वही 60 सीरीज़ का 2-ट्रैक का फ्रेम का कंपनी बी का 1 मीटर का वेट है 1 किलो 200 ग्राम। अब आप सोच रहे होंगे कि कंपनी बी का माल ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कंपनी बी का कंपनी ए से पर मीटर वेट ज़्यादा है, तो ज़्यादा भारी माल यानी ज़्यादा बेहतर माल। पर ऐसा है नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि कंपनी ए का माल ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का है। अब चलिए जानते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। आपके जानकारी के लिए बता दूँ, यूपीवीसी प्रोफाइल का कंपोजिशन में क्या क्या पदार्थ यूज़ होता है। अब यूपीवीसी बनाते टाइम उसमें 85% यानी 85% पीवीसी के रेजिन डाले जाते हैं, जिन्हें पीवीसी के दाने भी कहा जाता है। 10% फिलर्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, और 5% एडिटिव्स और स्टेबिलाइजर्स होते हैं। अब मैं ये ज़्यादा आपको बोर नहीं करना चाहता और मेन मुद्दे पे आता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि पीवीसी के रेजिन के दाने कैल्शियम से ज़्यादा महंगा होता है। अगर आज के डेट में मैं बात करूँ तो समझ लीजिए कि पीवीसी के रेजिन 90 रुपये पर किलो आता है और कैल्शियम 9 रुपये पर किलो। अब कुछ फैक्ट्री पीवीसी के रेजिन का कॉस्ट को बचाने के लिए उसमें ज़्यादा कैल्शियम मिलाते हैं, और जैसे कि सबको पता है कि पीवीसी रेजिन से कैल्शियम का वज़न ज़्यादा होता है, और यही कारण है कि सेम डायमेंशन और थिकनेस होने के बावजूद दोनों प्रोफाइल में से प्रोफाइल बी का यानी कंपनी बी का प्रोफाइल का वेट ज़्यादा है, क्योंकि उसमें कैल्शियम का मिलावट ज़्यादा किया गया है। तो इसलिए कंपनी ए का माल
कंपनी बी से ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का है। तो देखा दोस्तों कितना आसान था। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अगर आप यूपीवीसी विंडोज़ एंड डोर्स का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम पोर्टेबल यूपीवीसी विंडो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बिठाने में सहायता करते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।